नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में, और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बता दें, आज हम हल्द्वानी के डेली पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं, जहाँ संघ की ओर से महिलाओं से जुड़ा एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो महिलाओं के सुधार के लिए, महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए कार्यक्रम रखा गया है। बता दें, जिनका उद्देश्य है वो कल, आज और कल है। यानी कल महिलाओं की स्थिति क्या थी, आज महिलाओं की स्थिति क्या है, और आगे आने वाले दिनों में महिलाओं की क्या स्थिति होनी चाहिए, इससे जुड़ा ये कार्यक्रम है। चलिए लोगों से बात करते हैं, कुछ मुख्य अतिथियों से बात करते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम क्या है, समझने की कोशिश करते हैं, और चलिए उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ अभी प्रदेश की महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडेवाल जी मौजूद हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है और किस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नमस्कार मैम। मैम, यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ज़रा दर्शकों को बताइए कि क्या कार्यक्रम है आखिर। आज महिला चिंतन को लेके ये गोष्ठी की जा रही है। कल महिला क्या थी, आज कैसी है, और आने वाला समय कैसा महिलाओं का रहेगा, महिला कितनी सशक्त हैं, और कि महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, और इसको कि महिला सशक्त हो, आगे बढ़े। और महिला आयोग का भी यही कहना है, महिला आयोग ने एक कोशिश की है कि महिला नीति तैयार की है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा भी की है, और आने वाले समय वो नीति लागू भी होगी। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि उत्तराखंड की महिला नीति बनेगी, तो महिला के हर क्षेत्र में जो महिला काम कर रही हैं हमारे पूरे उत्तराखंड में, वो सशक्त होगी, मजबूत होगी, और समय में अपना काम बढ़ चढ़ कर करेगी। जो आज का कार्यक्रम है, इसमें क्या क्या शामिल है, किस प्रकार का बिंदु उठाया जाएगा, या कोई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु? बिल्कुल, कि हम ये मैं कहा कि कल जो हमारी मातृशक्ति थी वो किस प्रकार समाज में रही, किस प्रकार से उसकी उनकी उपेक्षा हुई, या किस प्रकार से वो मजबूत रही, आज किस प्रकार से हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, कैसे आगे बढ़ रही, और आने वाले समय में किस प्रकार से वो काम करेंगी और आगे आएंगी। जैसे कि आप देखें, राजनीतिक क्षेत्र में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में किया है, तो कैसे हमें सशक्त भूमिका में हमें हमारी उत्तराखंड से हमारी मातृशक्ति मिलेगी, क्योंकि जो प्रतिनिधित्व करेगी और अपनी बात प्रमुखता से संघ उसमें सदन में रखेगी, इस प्रकार से इन सब चीज़ों में को लेकर आज ये गोष्ठी यहाँ पे की जा रही है। तो निश्चित ही जो ऐसे कार्यक्रम है वो आगे कितनी बार किए जा चुके हैं और आगे कितनी बार किए जाएंगे, यही पहले? ये तो पूरे देश भर में हम लोगों के ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और निश्चित ही समय समय पर खुद आयोग भी इसको जागरूकता को लेके, महिलाओं को लेके ये कार्यक्रम आयोजित दूरस्थ क्षेत्रों में भी करता है, और हम लोग कर ही रहे हैं। तो भी हमारे साथ प्रोग्राम की विशिष्ट अतिथि जो कि रुड़की से आई हैं, अनुषया माहेश्वरी मौजूद है। चलिए जानते हैं कि क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ है और आगे कैसे चलने वाला है। नमस्कार मैम। नमस्कार। जैसे महिलाओं के लिए आज यहाँ विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कैसा ये दिन भर कार्यक्रम रहेगा, क्या क्या इसमें सम्मिलित है चीज़ें? इस कार्यक्रम में मेनली हमारा महिलाओं का कार्यक्रम है ये। इसमें हमारा 3 सत्र में ये कार्यक्रम होगा। पहला सत्र हमारा उद्घाटन सत्र है, मुख्य वक्ता का बौद्धिक है, उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। दूसरा सत्र हमारा होगा, उसमें हमारा चर्चा का विषय होगा, तो उसमें हमारे चर्चा के 5 विषय हैं, सामाजिक, स्वावलंबन, पर्यावरण, आरोग्य, इस तरह से करके हमारे चर्चा के ये विषय हैं। उनको हम, जितनी भी हमारी ये बहनें आई हैं, उनको हम सबको गटों में विभाजित कर देंगे और उन सबका ये चर्चा होगा। जो महिलाएं हैं ये हल्द्वानी से हैं या हल्द्वानी के क्षेत्र के बाहर से भी हैं? ये पूरे विभाग की हैं, 3 जिलों का एक विभाग, हमारे संघ की दृष्टि से पूरे जिलों का, 3 जिलों का एक विभाग होता है। ठीक। तो ये एक विभाग का सम्मेलन है। तो ये किस जिले की? ये नैनीताल जिले की हैं। 3 जिलों की ना? हाँ, नैनीताल, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर है शायद इसमें, ऐसे करके 3 जिलों का है। हल्द्वानी तो नैनीताल का शहर हुआ, नैनीताल, तो तीन नगर होंगे इसमें फिर। अच्छा, हल्द्वानी और नैनीताल। ठीक है। हाँ जी। उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है आपको महिलाओं में? काफी दूर से आई हैं, कैसा दिख रहा है? कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो अभी बाहर से आई हूँ, मेरा सब फोन पे ही वार्तालाप हो रही थी, अभी यहीं पे आके सबसे मिली हूँ। आपका आज ही साक्षात्कार हुआ है सभी से? सब, तो अभी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, आगे है, आप उत्साहित है देखने के लिए महिलाएं क्या करती हैं, किस प्रकार से आयोजित करती है कार्यक्रम? आगे हम करेंगे सब। अभी हमारे पूरे प्रांत में 4 सम्मेलन हो रहे हैं आज ही। अच्छा, आज ही? हाँ, एक हरिद्वार में है, एक देहरादून में है,
एक हल्द्वानी में और एक रुद्रपुर में है, जिसमें से एक आज हल्द्वानी में भी। एक हल्द्वानी में। तो हमारे साथ अभी DPS स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो मौजूद है और जो इस प्रोग्राम की अध्यक्षता भी कर रही है। चलो जानते हैं कि कब से उनको सूचित किया गया था कि DPS में प्रोग्राम होने वाला है और कैसे संचालित किया जा रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार। ये 10 दिन की बात है जब हमें बताया गया था कि यहाँ पे संघ का प्रोग्राम होने वाला है। मुख्यतः ये बात थी कि 400 से 500 महिलाओं की आने की उम्मीद थी, जो अलग अलग जगह से आना था। उसी को लेते हुए आज इतवार का दिन चुना गया था कि सब लोग आ सकें। स्कूल से बसेस भी भेजी गई थी ताकि सारी महिलाएं, सारी जो हैं बहनें, सब यहाँ पे टाइम पे पहुँच सकें। और जहाँ तक स्कूल की बात है, हम समय से समय संघ के प्रोग्राम कर यहाँ पे होते रहते हैं। एक हमारा स्कूल एक वेन्यू है, साथ ही जो वो आज महिलाओं का जो बात आई थी कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जो आई थी, उसी चीज़ को लेके जो ये प्रोग्राम था, तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छा समय है जब हमें अपने स्कूल को यहाँ पे वेन्यू बनाना चाहिए। और साथ ही मुझे एक विनम्र निवेदन था कि मैं इस प्रोग्राम की अध्यक्षता करूं। मैं इतना तो नहीं कह सकती कि मैं इतनी परिपक्व हूं कि इस चीज़ को कर सकूं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर मुझे 500 महिलाओं से बात करने का और उन तक कुछ अपनी बात पहुंचाने का मौका मिलता है तो क्यों नहीं। तो उसी के उसमें मैं संघ का सागर धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे लायक समझा कि मैं आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर सकूँ। जैसे कि आज संघ की ओर से महिलाओं के लिए विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया और आप भी एक महिला हैं, प्रिंसिपल हैं, और तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर पर महिलाओं की क्या स्थिति है? अगर मैं बोलूं तो बातें बहुत हैं, महिलाओं को काफ़ी उपनाम दिए गए हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है, पर फिर भी जो हम कहते हैं ना कि रूट लेवल पे, जो कि ग्रामीण उससे उठते हुए या बिल्कुल सबसे निचले वर्ग से अगर हम उठते हैं, तो अभी भी मुझे लगता है कि उम्मीद है कि हम बहुत कुछ और कर सकते हैं। काफ़ी कुछ सरकार कर रही है, काफ़ी कुछ हम देखें तो महिलाएं काफ़ी क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं, लेकिन वो उदाहरण कुछ गिने चुने से लगते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि अगर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो महिलाओं को समानता का अधिकार, वो चीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। कागज़ में वो चीज़ दी गई है, लेकिन अभी वो असली रूप से हुई नहीं है। तो शायद मेरा एक ही दिल से एक वो है कि जिस दिन महिलाओं को समानता मिलती है पुरुष के समान, और हर शब्द में, मतलब लाइक हम इंग्लिश में कहते हैं लेटर इन स्पिरिट में हो जाए, तो वो शायद मिले महिला होने का सबसे गर्वित दिन होगा, मैं ये मानती हूँ। इसके बात कर रहे हैं कि इक्वालिटी कहीं ना कहीं आनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को के लिए या समाज के लिए आज के दौर में इक्वालिटी की ज़रूरत है, इक्विटी की ज़रूरत है? सी, व्हेन आई टॉक अबाउट इक्वालिटी, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, जिसे हम कहते हैं कि अगर आप उनके लिए एक यहाँ पे आपने एक रिजर्वेशन कर दिया, मैं नहीं सोचती कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर हम देखो, हमें ईश्वर ने भिन्न बनाया है, पुरुष और महिला को वैसे भिन्न बने हुए हैं, लेकिन तो हम अपने ही काम से आगे बढ़ें, और उसी में अगर जिस क्षेत्र में हम जाना चाहें वहाँ पर ये रोक टोक ना हो कि आप महिला हो ये नहीं कर सकते, तो फिर शायद समानता की बात आ जाती है, क्योंकि हर एक उसमें ये ज़रूरी है कि हम सब लोग, जो भी हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें, जिस रूप में आगे बढ़ना चाहें, तो ये कह के उन्हें ना रोका जाए कि ये मर्दों का काम है, ये या पुरुषों का काम है। तो जो एक पुरुष प्रधान या ऐसी जो एक स्थिति बनती है वो ना हो। ये जैसे आज के दिन अगर हम इतिहास की भी बात करें, तो वो उसने जो कहते थे मैनकाइंड, वो हटा दिया गया है, अब वो ह्यूमन काइंड है। ह्यूमन में स्त्री भी आती है, पुरुष भी आता है। तो जब हम उस लेवल पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आई फील कि इक्वालिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे साथ मौजूद हैं अभी भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष अलका जीना जी, चलिए उनसे पता करते हैं कि आखिर क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से आगे कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। नमस्कार मैम, कार्यक्रम के बारे में बताइए दर्शकों को। आज राष्ट्रीय सेवक समिति के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, इसमें भारी संख्या में हमारी महिलाएं उपस्थित हैं, और ये हमारे संगठन में, हमारे सरकार में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है। तो उसी के समय कि आज कल की नारी क्या थी, आज की नारी क्या है, और कल की नारी किस उसमें हमारे रहेंगे। आपके दृष्टिगत कल नारी क्या थी और आज नारी क्या है, क्या बदलाव आया है?
कल की जो नारियाँ थी वो आपने देखा था, घूंघट में रहती थी, घर में रहती थी, कहीं से उनको आने जाने में पाबंदी रहती थी। आज की नारियाँ हमारी फ्लाइट चला रही हैं और विमान चला रही हैं, बहुत सी हमारी हैं। आगे नारियों को कैसा होना चाहिए? आगे नारियों के लिए तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम तो चाहते हैं कि बहुत अच्छा एडवांस, क्योंकि जब हमें आजकल हम लोग इतना एडवांस है तो आने वाले टाइम पे और एडवांस माहौल रहेगा, तो हमारी नारियों को आगे और प्रगति। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम। हाँ जी जी, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, ये संघ की ओर से आज महिलाओं के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, आप अपने विचार रखें, कल क्या महिलाएं थी, आज क्या है, आगे के दौर में क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय सेविका समिति की तरफ से जो ये कार्यक्रम रखा गया है, मैं भी उसी सेविका समिति से जुड़ी हूँ। निश्चित रूप से राष्ट्रीय सेविका समिति का अर्थ ही है RSS का रेडी फॉर सेल्फ सर्विस, हमें खुद ही हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। और जो आप मुझसे कह रहे हैं कि कल की क्या स्थिति, आज की क्या है, आगे वर्तमान में क्या होगी, निश्चित रूप से अगर हम पूर्व में की भांति अगर हम देखें तो महिलाओं की बहुत हमेशा से महिला एक मेहनती का उसका जो रूप है, चाहे वो एक माता के रूप में हो, एक बहन के रूप में हो, एक बहू के रूप में हो, उसने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अगर महिलाओं की बात की जाए तो परमपिता परमेश्वर ने जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है उन्होंने भी सबसे पहले माँ का ही नाम दिया है, क्योंकि निश्चित रूप से जो महिला के अंदर पेशेंस होता है और महिला जो कर सकती है, चाहे जिस तरह से अगर कोई भी समाज में कोई भी जिम्मेदारी दी जाए, किसी भी वर्ग से वो जुड़ी रहे, तो निश्चित रूप से वो अपने घर की तरह ही हर चीज़ को संभालती हैं। महिलाओं ने हमेशा हमेशा हार्ड वर्क किया है और निश्चित रूप से ये चीज़ दिखा भी है। आज हम चाहे लोकसभा की बात करें या कोई भी पंचायती चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, महिलाओं का मतप्रतिशत सबसे अधिक होता है, क्योंकि महिलाएं जो भी कार्य उसे दिल से करती हैं और बढ़ चढ़ कर उसमें अपनी भूमिका निभाती हैं। और महिलाओं के पास जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उनके पास जिम्मेदारी भी बहुत होती है, वो अपने परिवार को बखूबी संभालती हैं, वो वर्तमान की जो स्थिति उसके सामने फेस उसको भी बहुत मुस्कुरा कर उसे निभाती हैं। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कहा गया है कि किसी भी पुरुष में अगर महिला के गुण आए तो वो साधु बन जाता है। और आपने देखा भी होगा कि एक दिए को अगर हम तैयार करते हैं कि दिए की थाली को, उसमें बहुत सारे दियों की आवश्यकता होती है आरती की थाली के लिए, और एक माला को हम लोग तैयार करते हैं बहुत सारे पुष्प की आवश्यकता होती है, लेकिन महिला अकेले ही पूरे संसार को चलाती है, संसार का निर्माण करती है। महिलाओं को देवी के रूप में पूजा इसीलिए जाता है क्योंकि जिस घर में महिला की पूजा होती है देवता निवास करते हैं। पुराने समय में भी महिलाओं की बहुत स्थिति, बल्कि हमारे उदाहरण बनी है, वर्तमान में हम उन्हीं के जीवन को, हम चाहे रानी लक्ष्मीबाई जी हों, चाहे केलकर जी बहन जी हों, चाहे आपने देखा कि हर महिला ने अपने जीवन को समर्पित किया है, और आज इसी भाव से यहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इसका अर्थ भी यही है कि हम लोग सब एकजुट होकर कार्य करें, अपने सबसे पहले हमारे सामने देश है, उसके बाद हम लोग हैं, हम लोग राष्ट्र इसमें कार्य करें और समर्पित की भावना से कार्य करें। संगठन को हम लोग समझें कि संगठन है क्या, क्योंकि हमेशा कभी भी भीड़ परिवर्तन नहीं लाती, एक व्यक्ति के पीछे हम लोग चलते हैं तो परिवर्तन आता है। ये बात कर रहे हैं कि जो आप संघ से भी जुड़ी हुई हैं, हाँ, तो इस कार्यक्रम का हमें रूपरेखा बताइए कि हाँ क्या क्या होने वाला है, झांकियां हम देख रहे थे कि झांकियां भी हैं, क्या क्या इसमें शामिल होगा? देखिए, जहाँ तक संघ से जुड़ने वाली बात है, राष्ट्रीय सेविका समिति से, हम लोग भारतीय जनता पार्टी, संघ तो हमारी बैकबोन है। आज हम लोग सारे लोग जिंदा, हमारा हिंदुत्व जिंदा है, तो हमारा धर्म जिंदा है, तो हमारा सनातन जिंदा है, तो इसका श्रेय हमारे राष्ट्रीय सेविका समिति RSS परिवार को जाता है, हमारे भाइयों को जाता है। कार्यक्रम में निश्चित रूप से आपने देखा है कि वेलकम सॉन्ग है यहाँ पे, और बहनों के स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो यहाँ पे अपने अपने जो स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा हस्तनिर्मित जो सामान है, और यहाँ पे बहनों के द्वारा अभी एक चर्चा सत्र होगा, उसमें बहनों की जो पर्सनल जो ओपिनियन है, जो क्या वो चाहती हैं वर्तमान में, क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, या कितना 2014 के बाद का जो भारत किस तरह से हमारे सामने है, वो अपने विषय को अपने अभी पर्सनल अपनी ओपिनियन रखेंगी चर्चा सत्र में। और यहाँ पे वेलकम सॉन्ग है, सारे हमारी मुख्य अतिथि के रूप में हमारी कुसुम कंडवाल जी आई हैं, और बहुत अच्छी बात है, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनके भी विचार को हम लोग सुनेंगे और सीखेंगे हम लोग। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम, आपके द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जानकारी दीजिए क्या क्या आपके स्टॉल में मौजूद है। हाँ जी, मैं बुआ जी मशरूम की संचालिका हूँ, और मेरे द्वारा हमारे सारे ही जो प्रोडक्ट हैं वो होममेड हैं, पहाड़ी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें पिकल हैं, दालें हैं, मसाले हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके अलावा हमारे पास बर्ड हाउस वगैरह भी हैं, तो ये सारे हमारे पहाड़ी होंगे, हैंडमेड होंगे, और हमारी समूह की महिलाएं द्वारा तैयार किए होंगे। अगर मैं इनके रेट पूछूँ तो रेट क्या रहेंगे इनके? रेट मैम, हमारे पास मिनिमम कोई भी आइटम 50 रुपीज़ से स्टार्ट होने से लेके 500 तक का हमारे पास सामान है, ईजिली कोई भी ले सकता है, और हमारे जितना भी सामान है, जितने हमारे फूड प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो नेचुरल एंड नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के संग बने हुए हैं, उसमें कोई भी केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं होता है। हमने रागी के लड्डू भी बनाए हैं, मल्टीग्रेन लड्डू भी बनाए हैं जिसमें शुगर फ्री भी है और नट्स वगैरह उसमें भरपूर मात्रा में पड़े हुए हैं। अच्छा, और अगर मैं पूछूं कि आपको जानकारी कब तक मिल गई थी कि कार्यक्रम होने वाला है, जो आपने तैयारियाँ शुरू की? मैम, हमारा जो है हमारा रेगुलर बुआ जी मशरूम करके काम है। अच्छा। जो ऐप भी में फेसबुक में बुआ जी मशरूम है, वेबसाइट है बुआ जी स्टोर करके, इंस्टाग्राम में है बुआ जी मशरूम करके, और सभी जगह हम अवेलेबल हैं व्हाट्सअप कैटलॉग वगैरह में। तो हमारा ग्रुप है, अभी हमने ईजाबैनी इवेंट में भी अपना स्टॉल लगाया हुआ था, तो वहीं से हमें दीपा पुनेरा मैम ने मेरे को इन्फॉर्म कर दिया था और इन्वाइट कर दिया था कि आप लोगों का काम अच्छा है तो आप लोग अपना सामान लेके इधर भी आइएगा, जो ये हमारा आज का इवेंट होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आपने इस पूरी ग्राउंड बोर्ड में देखा कि जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा कहीं ना कहीं कार्यक्रम है, जिसमें जो प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं कुसुम खंडेवाल, वो उन्होंने भी शिरकत की है। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि रुड़की से यहाँ शामिल हुए हैं और जो DPS की प्रधानाचार्य हैं वो यहाँ बतौर अध्यक्षता इस कार्यक्रम की करती नजर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने सभी से जानने की कोशिश की कि आखिर जो ये कार्यक्रम का मोटिव क्या है और किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आपको आगे क्या लगता है कि भविष्य में क्या स्थिति में सुधार महिलाओं की होनी चाहिए, इससे पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, इससे जुड़े सारे प्रश्नों का जो उत्तर है तराशने की हमने कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रिपोर्ट में समझ आए कि किस प्रकार से ये जो कार्यक्रम है आयोजित किया गया है यहाँ पे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJN News, हल्द्वानी। नमस्कार।